नमस्ते मैं वहीं से शुरू करूं जहां पे आदरणीय प्रोफेसर रमेश बिजलानी जी ने जो बात कही क्षमा और की तो आ, सच तो ये कि क्षमा ही पहले आती है परवाना तो बाद में आता है परवाना तो क्षमा से अट्रैक्ट हो के आता है अब इसका योग से बड़ा गहरा संबंध है अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य योग करता है मनुष्य को योग की पद्धति है और आम तौर पर जब योग की बात होती है तो यही होता है कि एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, जो जिस जिसमें आपको संलग्न होना है इसके द्वारा यही ये प्राप्त होगा अंत में आपको भगवान मिल जाते हैं जो योग प्रणालियां भगवान को मानती हैं ऐसी भी योग प्रणालियां हैं जो ईश्वर को नहीं मानती या वो एक सीमित योग होता है जिसमें मन और शरीर का तालमेल इसको भी लोग योग कहते हैं लेकिन वो तो एक अज्ञान के घेरे में घूम रही है योग का असली प्रारंभ तो तब होता है जब मन की भूमि का अतिक्रमण होता है या हम अपनी बाहरी चेतना से भीतर जाकर एक जो वेल है हमें जो सेपरेट करती है क्षमा से उस वेल को चीर कर हम उस समा के दर्शन करते हैं जिसके बारे में दास जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा घूंघट का पटखोलरी तो है पिया मिलेंगे शेयरविंद इसको अपने अंदाज में कहते हैं सावित्री में एक पंक्तियाँ हैं जब सावित्री योग का प्रारंभ करने वाली हैं तो बड़ी इंस्पायरिंग वो वो उनका योग है कि इस संसार की समस्या कैसे ये संसार बदले कैसे इससे मृत्यु अचित अंधकार चला जाए इसी भाव से हम देखते हैं कि बुद्ध ने भी राज विभूति को त्याग करके योग का मार्ग पकड़ा इस संसार में अचित अंधकार कैसे जाए लेकिन बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वो था संसार से बाहर जाने का मार्ग लेकिन सावित्री के लिए समस्या ये है कि वो इस संसार में रहकर यहाँ पर अचित अंधकार मृत्यु शोक रोग इत्यादि पर विजय की बात करती हैं। तो जब वो बैठती हैं योगनिष्ठ निष्ठ किसको कहा जाता है वो पंक्तियों में बुक सेवन कैंटो टू में आता है जैसे ही वो बैठती हैं ये देखती हैं कि ये तो तभी संभव है जब सबसे पहले हमारे हृदय की गुफा में जो चैत्य सत्ता है वो बाहर आकर हमारे ऊपर शासन करे तो अभी तो हमारे ऊपर शासन ईगो सेल्फ का है यानी हम हम बचपन से हमारी हमारे साथ एक नाम सरनेम उसके आगे बहुत सारी पहचान पत्र हमें दे दिए जाते हैं कई लोग जैसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लेके घूमते रहते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि और कई बार वो क्रेडिट कार्ड दिखाने के होते हैं जो असली वाला होता है वो लास्ट में निकालते अच्छा ये नहीं चल रहा वो इंटरनेशनल वाला है तो हम भी ऐसी ना जाने कितनी झूठी काल्पनिक पहचानें अपनी लेकर के ढूंढते हैं और जितनी अधिक हमारी ये आर्टिफिशियल पहचानें हैं उतना कठिन है योग में प्रवेश करना ये भी एक समस्या है क्योंकि उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है वो बड़ी सुंदर एक पंक्ति है अमीर खुशरो जी की कि छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाई के तो भगवान तो सबसे पहले हरण करते हैं वरण करते हैं हरण करते हैं फिर रूपांतरण करते हैं <laughs> तो ये शेयरविंद अपने अंदाज में सावित्री में कहते हैं कि बट फॉर दिस हाई स्पिरिचुअल चेंज टू बी कौन सा चेंज रूपांतरण मन प्राण शरीर सारा जीवन पार्थिव जगत का रूपांतरण बट फॉर दिस हाई स्पिरिचुअल चेंज टू बी हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल अब देखिए चेंज इसमें डिफरेंस क्या है कबीर जी की लाइन में कबीरदास कहते हैं घूंघट का पट खोल रही तोहे पिया मिलेंगे क्या कह रहे हैं प्राइवेट रूम कॉमन नेचर्स रूम्स ऑर्डनरी रूम्स उस बाहरी चेतना में आना और तब वो बताते हैं कि जब सावित्री को ज्ञात होता है यानी हमको लगता है कि हम पट को खोल रहे हैं लेकिन वास्तव में पट तो जो मनुष्य क्या करता है समा तक जाता है जब वो करीब होता है तो क्षमा खींच लेती है दैट इज़ हाउ वो पट तो वो खोल लेते हैं तो घूमट घूंघट का पट खोल रही यहाँ पर रिवर्स है कि द हेवली साइके मच पुट ऑफ हर वेल और तब वो जो अवस्था बताते हैं वास्तव में योग निष्ठ व्यक्ति की क्या अवस्था होनी चाहिए योग एक प्रोसेस प्रक्रिया मेथड ये टेक्निक ये सब शेयरविंद हमको मुक्त कर देते हैं इन ट्रैपिंग से तो योग के लिए क्या अवस्था होनी चाहिए योगनिष्ठ व्यक्ति की उसमें बताते हैं कि ओबीडियंट टू हाई कमांड शी सैट सावित्री बैठ गई है क्योंकि उनके अंदर यह कमांड है कि भाई योग का मार्ग पकड़ो टाइम लाइफ एंड डेथ वेयर पासिंग इंसिडेंट दैट वेल्ड बाय देर ऑब्सक्योरिटी हर साइड दे मस्ट बी पुश अ साइड अब योग इस प्रकार होता नहीं है जब हम दुनिया भर की नाना प्रकार की चीजों में उलझे हुए हैं अपनी चेतना को उलझाए हुए हैं ये कई बार लोग ऑल लाइफ इज़ योग तो हम सरफेस चेतना पे अपनी चेतना हमारी भटकती रहे तो हम योग कर रहे हैं ऑटोमेटिक ये प्रोसेस नहीं है हमें इतना इम्पोर्टेंस हो जाना चाहिए इम्पोर्टेंट भगवान हमारे लिए कि हमारा जीवन चला जाए हम जी सकते हैं लेकिन भगवान चले जाएँ तो हम नहीं जी सकते हैं माता जी से एक बार किसी ने पूछा मदर विल यू टेल अस समथिंग अबाउट योगा तो माँ कहती हैं व्हाई डू यू वांट द योगा फॉर ये पहली वार्ता है माँ की उन्नीस की पहली वार्ता तो कहती है योग तुम्हें क्यों करना है तो पहली चीज़ है फिर वो कहती हैं टू गेन सम पावर्स टू हेल्प ह्यूमैनिटी नन ऑफ दीज मोटिव आर सफिशियंट टू टेल यू दैट यू आर रेडी फॉर द पाथ हम योग में क्यों प्रवेश कर रहे हैं पहली चीज हमें अपने आप से यह प्रश्न करनी है और फिर वो कहती है डू यू वॉन्ट द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन भगवान को भगवान के लिए चाहते हो इसलिए नहीं कि हमें क्या मिल जाएगा उनसे डू यू वॉन्ट द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन इज द डिवाइन द रेज योर दस्टेंस क्या तुम्हारी सत्ता का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर है और ये एक फंडामेंटल कॉमन एलिमेंट है सारे योगों में जो भी एक रियल योग है मैं उस योग की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल प्रचलित हो गया है कि आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और सारे असुर की तरह भी असुर ने भी योग किया था लेकिन उस योग की बात नहीं कर रहा हूँ ये वो योग है जो सनातन योग है और उसकी ओरिजिन क्षमा यानी जो ओरिजिनल पावर जो इस सृष्टि में योग कर रही है वो भगवान है ये सोचना कि हम योग कर रहे हैं ये तो रिवर्स कर देना है पूरी चीज को योग भगवान कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं वेन डार्कनेस वॉज डेंस एंड कवर्ड विद डार्कनेस ही वॉज सीटेड विद इन हेट इमेंस एंड एलोन और इसी का वर्णन ऋग्वेदों में आता है जब हम देखते हैं कि वो प्रारंभ की एक अवस्था है जब देवता भी नहीं है और वह जो है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते वो है भी और नहीं भी कौन कह सकता है और तब वो अपने अंदर से हिरण गर्भ वो एक गोल्डन वोम वो क्या है वो तब के द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है इस योग का प्रारंभ यही है अब वो कैसा योग है ये कि जहां भगवान अपने आप को सृष्टि के साथ जोड़ देते हैं दिस इज योगा प्रारंभ में और क्यों जोड़ देते हैं ताकि धीरे 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 सृष्टि के कण-कण में दिव्यता प्रकट होने लगे लेकिन एक योग की विचारधारा ऐसी भी है कि भगवान ने सृष्टि बनाई उसके बाद वो आ, सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्षु हालांकि इसका अर्थ भिन्न है किंतु सूर्य आमतौर पर कि वो तो एक विटनेस पुरुष है और सृष्टि को देख रहे हैं और जब वो सृष्टि की ओर पुरुष तत्व तो लीन करता है तो बंध जाता है ऐसा प्रतीति होती है जब उसे अलग हो जाता है तो मुक्त हो जाता है इस कारण हमारे अंदर योग को लेकर के एक ऐसी विचारधारा पनपी जिसमें हमने सृष्टि और सृष्टिकर्ता उन दोनों के बीच में एक भेद क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में खाई लगा दी कि ये दोनों मिल नहीं सकते ये दोनों तो परस्पर बिल्कुल अलग हैं और वहीं से ये सारी मानसिकता आई वर्ल्ड ही लाइफ एंड स्परिचुअल लाइफ शेयरविंद क्या कहते हैं कि मेरे लिए इन दोनों में भेद नहीं रहा क्योंकि प्रारंभ से ही मेरे सारे अनुभव दिस वर्ल्ड ही और अदर वर्ल्ड ही थे अब शेयरविंद का अगर हम वैसे उनको पहले भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जिसको कहा जाता है ट्रेडिशनली uh, पहले भी हुए थे इंग्लैंड में भी पर अब देखिए आप कि वो अपोलो बंदर पे क्या हो रहा है वो स्टेप कर रहे हैं जहाज से और ये उस समय ये नहीं कि शेयरविंद बैठ करके कोई मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक उनको एक वास्ट काम डिसेंडेड मी जो उनके साथ रहता है तो वो ये पूर्व धारणा जो योग की है कि हम कोई स्थान नियत करके आश्रम में जा करके के हम इस प्रकार से बोल्ट स्ट्रेट बैठ करके के ध्यान करेंगे वो एक ठीक है उसका एक महत्व है लेकिन हम कोडिफाई करने के प्रयास में हम इतना अधिक मेथड्स में चले गए कि हमने उसके सार को हम भूल गए मेथड्स की अपनी एक यूटिलिटी है हर व्यक्ति का अपना एक मेथड होता है और उस वो मेथड उसके लिए वैलिड है एक व्यक्ति के लिए घुटने पर बैठ करके ऊपर हाथ उठा के ये कह देना कि हे प्रभु ये उसका मेथड है लेकिन अगर वो सबको कहे कि तुम ऐसे करो तो वो योग नहीं रहा वो रिलीजन बन गया तो योग और रिलीजन में एक अंतर है योग भगवान से जुड़ने का एक तरीका है और प्रारंभ कैसे होता है भगवान ने वास्तव में कभी हमसे अलग नहीं हुए ही हैज नेवर सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम क्रिएशन लेकिन एक प्रतीति होती है जैसे गर्भ में जो बच्चा होता है उसको ये प्रतीति होती है अगर प्रतीति होती है कि वो अलग है और उसके अंदर एक बड़ी छटपटाहट होती है वो गर्भ से जब किक मारता है तो शायद वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे कब बाहर निकालोगे इस अंधकार से माँ क्या कहती है बच्चा बड़ा हो रहा है तो कई बार हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं अर्थ पेंस वेर द ऑफ इट्स प्रिजेंट डिलाइट बट फॉर जॉय नॉट फॉर ग्रीफ दिस अर्थ वॉज मेड तो हमारे अंदर भी कई बार एक छटपटाहट हाँ होती है एक स्टाइफलिंग फीलिंग होती है कि ये क्या संसार है ये समस्या है वो समस्या है जगन माता कहती है थोड़ी देर प्रतीक्षा करो तैयार हो रहे हो तैयार हो रहा हूं अगर वार्तालाप होती हाँ हाँ एक नए जगत में तुम प्रवेश करोगे तो बच्चा थोड़ी देर शांत हो जाता है फिर बीच बीच में वो किक करता है फिर एक समय आता है जब उसको बहुत कंस्ट्रिक्शन फील होता है उसके लिए वो जीवन मरण का अवसर है आप कभी अगर आप देखें प्रकृति की सारी घटनाएं कहीं ना कहीं सांकेतिक होती हैं बच्चा जब जन्म ले रहा होता है उससे अधिक खतरनाक अवस्था वास्तव में कोई और लाइफ में उसके नहीं होती है प्योरली फ्रॉम दी फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक संकरे से पैसेज से नैरो पाथ से उसको बाहर आना है नए जगत में उसको कुछ नहीं मालूम है कोई बैक्टीरिया वायरस हाइट परसेप्शन कुछ नहीं मालूम है कि वो कहां प्रवेश करेगा कहां लैंड करेगा उसको पहला लेसन दिया जा रहा है योग का माता जी कहती हैं व्हेन यू कम टू योगा यू मस्ट बी रेडी टू हैंग विद नथिंग एल्स बट फेथ बच्चा कैसे आता है एक जोड़ी होती है ना प्लेसेंटा कहते हैं वो क्या है ही हैंग्स बाय द थ्रेड ऑफ फेथ कि जब तक वो कट नहीं जाती मैं पहला सांस नहीं ले लूं उसको भी मालूम नहीं है कि इससे मुझे सारा जीवन मिल रहा है उसको काटा जाएगा क्योंकि अब उसको ज्ञान का उदय होगा बट एक लंबे समय तक माँ कहती है तुम्हारे सारे प्री कंसीव नोशन चले जाएंगे तुमने जो कुछ सीखा है जाना है समझा है भगवान के बारे में भी जीवन के बारे में अपने बारे में तो अगर हम उन जोन्स को कंफर्ट जोन्स को पकड़ के रहना चाहेंगे तो हम उस बच्चे की तरह जो बोम्ब के बाहर ही नहीं आना चाह रहा है तो लेबर पेन्स जो हम सृष्टि के अंदर देखते हैं शेयरविंद के आगमन के समय आई एम श्योर इसकी चर्चा हुई होगी क्योंकि थोड़ा सा उस पर टच कर सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध विश्वयुद्ध द्वित विश्वयुद्ध इम्पीरियलिज्म काइंड ऑफ kind मार्क्सिस्ट of कम्युनिज्म पॉजिटिविज्म फ्रूडियन साइकोनालिसिस यू नेम इट मेटीरियल साइंस की ऐसी पकड़ कि भगवान तो है ही नहीं उस युग में शेयरविंद आते हैं और आज देखिए सौ वर्ष के बाद यानी वो लेबर पेन्स थे धरती के दोनों वर्ल्ड वॉर उसके बाद उन्नीस में एक नया जगत जन्म लेता है हम देख नहीं पाते उस जगत को क्यों क्योंकि योग का दूसरा लेसन पहला लेसन है कि हैंग बाई फेथ कब तक माँ कहती है यू प्लंज इन टू सी विदाउट कि मुझे क्या होगा जो इस भाव से कहते हैं कि अच्छा पहले हमें सब बताइए क्या मिलेगा क्या भगवान ने कोई दस्तावेज साइन कराया है लीगलाइज स्टैंप भगवान कहेंगे हाँ दस्तावेज है सुपरमेंटल क्रिएशन आपके हस्ताक्षर दिखाइए भगवान कहेंगे मेरे हस्ताक्षर है तुम करो नहीं नहीं इसको आपने क्या नोटरी के पास से नोट नोटराइज किया है नोटरी कौन है सारे रिलीजन के प्रीचर्स तो सारे रिलीजन् कहते हैं नहीं नहीं हम तो इस पर दस्तखत नहीं करेंगे ये तो ऐसी घटना है जो हुई नहीं है <laughs> तो माँ कहती यू मस्ट लर्न टू प्लंज इन टू द सी ये फेथ होता है श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मुझे भगवान चाहिए भगवान चाहिए कहते हैं चल आजा गंगा में नहाने गंगा में जब स्नान करने जाता है तो अचानक उसके सिर को पकड़ करके नीचे डाल देते हैं कहते हैं क्या चाहिए प्रभु सांस चाहिए जिस दिन तू तो इस तरह से भगवान को मांगेगा ना उस दिन भगवान मिलेंगे बट दिस ए प्रोसेस इसको हम मैकेनिकली नहीं कर सकते कि अब आज से मैं तीन दिन बैठ जाऊंगा भगवान भगवान करूंगा तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप सुपरामेंटल की बजाय इंफ्रामेंटल हो जाएंगे डेंटल तो हो ही जाएंगे तो आवश्यक चीज़ ये है फेथ पहली नेसेसिटी दूसरा सबक बच्चे के जन्म के साथ जो हम योग के बारे में सीखते हैं बच्चा कैसे संबंध जोड़ता है माँ के साथ उसको नहीं मालूम है उसने लाइव डिवाइन नहीं पढ़ी है उसने बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी हैं लेकिन उसको एक चीज़ मालूम है वो है माँ सबसे प्रथम शब्द जो बच्चा सीखता है वो ओम ये नहीं सीखता है वो सीखता है माँ 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 और वो जब कहते हैं माँ तो माँ समझ जाती है कि इस समय बच्चे को गर्मी लग रही है दूसरी बार कहते हैं माँ माँ समझ जाती कि इस समय उसे सर्दी लग रही है तीसरी बार कहता है माँ माँ समझ जाती इसको भोजन चाहिए चौथी बार कहते हैं माँ माँ समझ जाती इसको क्लीनिंग चाहिए क्या संबंध है मा, मा ये इंटेलेक्चुअल संबंध नहीं है कौन सा संबंध है इसमें हृदय का संबंध है बच्चे को ये स्पष्ट है कि ये मेरी माँ है और यदि मां मेरे साथ है तो मैं पूरे संसार का सबसे सुखी सबसे समृद्ध सबसे सुरक्षित व्यक्ति हूं यह है योग का प्रारंभ और यही है योग का चलन लेकिन क्या होता है कि जैसे और ये ओरिजिन है हम सबका ओरिजिन हमारा यही है हम जब सृष्टि में प्लंज करने के पहले ये हमारा ओरिजिन है यही हमारी ओरिजिनल अवस्था है फिर जब आते हैं तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है माँ तुम बड़ी क्रूएल हो आपने मेरा खिलौना क्यों छीन लिया माँ टी क्यों बंद कर दिया चॉकलेट क्यों ले ली हर चीज़ में आप क्यों जानना चाहती हो तो ये एक बाद में एक स्टेट आती है लेकिन बच्चा कितना भी अपने आप को काट ले माँ सदैव जुड़ी रहती है उससे तो उसी प्रकार से मनुष्य कितना भी दूर चला जाए ये तीसरा योग का मूल मंत्र है भगवान कभी उसका त्याग नहीं करते और सदैव उसको पकड़े रहते हैं हम नहीं जानते तो योग क्या है उस वेल को हटा देना उस सेंस ऑफ सेपरेशन सेंस ऑफ सेपरेशन कैसे हटता है कौन सी चीजें जो गांठ लाती है सेपरेशन और कौन सी चीज़ जो उसको तोड़ देती है क्षण भर में आप देखिए इसका एक बड़ा सिंपल उदाहरण है दो लोग हैं बड़े पढ़े लिखे हैं और हम सोचते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग बड़े सभ्य होते हैं एक कमरे में उनको डाल दीजिए वो स्टार्ट कहाँ से होगा आपके आइडियाज मेरे आइडियाज थोड़े समय बाद वो आप तो कुछ नहीं जानते मूर्ख हैं वो कहेगा आप कुछ नहीं जानते मूर्ख हैं और अगर और उनके गुट बन जाएंगे मेरे मत के लोग इनके मत के लोग लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाएंगे लेकिन यही अहंकार का खेल है जिसमें हम इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स एंड हंड्रेड थिंग्स लेकिन एक होने के लिए क्या चाहिए होता है कुछ क्षण के लिए दोनों प्रोफेसर भूल जाए ये सारा जो मैंने मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, उसमें एक ही चीज़ है मैं को जरा छोड़ दीजिए और गले लगा लीजिए दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड एक दूसरे को जब गले लगा लेते हैं तो सब आनंद में है तो ईश्वर को ऐसे गले लगाना माँ को ऐसे गले लगाना और इसमें कोई प्रयास नहीं लोग इतना अधिक योग एक बहुत बहुत बड़ी कठिन चीज है कठिनाई कहाँ है हमारे ईगो ने कठिनाई कर दी है दो लोगों के मिलन में क्या कठिनाई है कौन सी दीवार है साथ रहते हैं लोग सब कुछ करते हैं लेकिन एक गांठ है कौन सी गांठ है मैं और तू और वहां से शुरू होता है तू और मैं और तू तू मैं मैं तू तू त्याग दे मैं मैं त्याग दू तो बस एक हो गए इस एकत्व का नाम ही योग है सावित्री में कितनी सुंदर लाइन है फील लव एंड वन इज टू लिव लेकिन एकत्व का जो मार्ग हम अपनाते हैं कि सरफेस से एकत्व चलो एक हम इंटर रिलीजियस मीटिंग करेंगे बहुत अच्छी बात है मीटिंग हुई हम एकत्व की ओर जा रहे हैं हर एक प्रीचर अपनी बात कहके अपने गुर्गों से पूछता है अच्छा बोला ना मैंने कन्विंस भी होंगे ना कितने कन्वर्ट हो गए यह होता है इंटर रिलीजियस डायलॉग्स का गठबंधन <laughs> गठजोड़ एकत्व तो एक को प्राप्त करके होता है फर्स्ट वी मस्ट फाइंड दैट वन और वो वन कहाँ है हम सुनते हैं वो वन केवल मनुष्य के अंदर है या मनुष्य के अंदर है हाँ मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है ये मनुष्य की एक अद्भुत बात है लेकिन वो है हर चीज में ऑल लाइफ इज योग का बेसिस ही यही है कि हर चीज जीवन में कण कण के अंदर ईश्वर है और क्या कर रहे हैं वो केवल साक्षी नहीं है प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं आप उसमें सहयोग दीजिए और कैसे हम सहयोग दें माता जी कितने उदाहरण देती हैं प्रस्तुत करती हैं योग भगवान करते हैं हमको सहयोग देना है अब देखिए माँ एक बड़ा सुंदर माँ की प्रार्थना है प्रार्थना ध्यान इज ए वंडरफुल बुक अगर किसी को जानना है योग के बारे में तो सब कुछ उसमें दिया हुआ है माँ एक जगह लिखती हैं कि मैं अब इस घर को छोड़ के जा रही हूँ तो ट्रेडिशनल योगी बड़ी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध हो रही थी कंटेक्स्ट में वो सब ठीक है कि मैं तो यहाँ पर एक वो दुनिया मेरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल अब समस्या ये होती कि आप ससुराल में ध्यान नहीं रखोगे मतलब इस तरह से इतना नेगेटिव बना दिया ससुराल को ससुराल को तो और सुंदर बनाओगे खैर अब हम लोग का एक एटीट्यूड बन गया कि ये दुनिया तो मटीरियल लाइफ है इससे हमें क्या लेना देना है ये तो सांसारिक है असल चीज़ तो वहाँ है तो हम इसको छोड़ दें श्री कृष्ण जो गीता में बताते हैं वही चीज़ श्री अरविंद भी बताते हैं कि त्याग नॉट संन्यास किंतु अभी भी हम गेरुआ वस्त्र देख के बड़े प्रभावित होते हैं लेकिन अंदर में आपके काला भरा हो तो भी कोई बात नहीं बाहर हमारे आपने कोई भी वस्त्र पहना है अंदर में श्वेत रखिए अंदर में गेरुआ रखिए अंदर में भगवान के रंग में रंग जाइए ये योग का ये योग का नियम है तो माता जी वहाँ अपने प्रार्थना और ध्यान में लिखती हैं कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ कहती हैं कि इस इस घर में इतना सुंदर एटमोसफियर रहा है मैं जा रही हूँ ये बहुत सारी चीजें जो मैं छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे इन वस्तुओं ने मेरी सेवा की है और जब ये दूसरे के हाथ में जाएंगी तो हे प्रभु इतना ध्यान रखना कि ये उन हाथों में जाएं जो उतनी ही सहिष्णुता के साथ इनके साथ सेंसिटिविटी के साथ संवेदनशीलता के साथ इनको इनको इनके साथ स्पर्श करें इनको डील करें जस्ट इमेजिन हम लोग तो भगवान के रिलिक्स को भी कैसे वो करना है हम आ, नहीं जानते माता जी एक साधारण ऑब्जेक्ट जिसको हम साधारण कहते हैं बहुत पहले एक बड़ी आ, एथिस्टिक बुक आई थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम से बड़ी फेमस हो गई थी बट दिस इज द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स दैट इज़ नॉट गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स दैट इज़ टू डिस्ट्रॉय द डिविनिटी स्मॉल थिंग्स के अंदर छोटी से छोटी गति एक जेस्चर पोस्चर भारत के सिविलाइजेशन को देखिए नृत्य कला न, आ, साइंसेस पेंटिंग विज्ञान सब चीजें शिक्षा मानवीय संबंध सब कुछ शिशु गर्भ धारण करना मृत्यु सब संस्कार थे सबको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास था आप स्नान कर रहे हैं तो भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो भगवान के साथ जोड़ रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो है इंपॉर्टेंट जो माता जी बताती हैं योगा इज डन द मंत्र ऑफ द योगा जो माँ देती हैं वो है रिमेंबर एंड ऑफर अब बात होगी तो हाँ गीता में भी लिखा है रिमेंबर एंड ऑफर हाँ बिल्कुल सही बात है तो गीता में कोई गलत बात लिखी है यहाँ कंपेरिजन नहीं हो रहा है स्पष्ट बात है कि जब हम भगवान का स्मरण रख के ऑफर करते हैं तो हम योग का फंडामेंटल बेसिस जान गए ऑलरेडी वो भगवान का है वो चाहें तो क्लेम कर सकते हैं लेकिन जब वो किसी भी समय क्लेम करते हैं वो लोग भी जो कहते हैं सब तेरा है सब तेरा है, एक दिन भगवान कहते हैं अच्छा मेरा है ले लू मैं <laughs> भगवान प्लीज बी लिटिल काइंड वहाँ पे हमारे पसीने छूट जाते हैं रियली really, आप कहें हाँ तू तो कहता था रोज सब तेरा है तेरा है <laughs> गुरु नानक जी की कहानी याद है ना वो किसी को देने थे कुछ तेरा तेरा पे रुक गए तेरा 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 करते पूरी बोरी दे दी अनाज की तो उनके पिताजी आए बोले ये क्या कर डाला आपने कहते क्या करूँ तेरे के आगे गया नहीं तेरा ही है सब तो लेकिन तेरा का मतलब ये नहीं कि मूर्खतापूर्ण सब चीज़ें दुनिया भर को दे दो <laughs> <laughs> कल आप कोट कर दोगे कि हाँ उन्हें कहा था सब दे दो तेरा है तेरा का मतलब और भी ध्यान से हमको रखना है हमको चीजों के साथ मनुष्यों के साथ जीव जंतु के साथ वृक्ष के साथ पेड़ पौधे के साथ और आज के समय में इससे अधिक और क्या चाहिए हमको धरती नदी नाले गंगा पर्वत सबके साथ आकाश लेट एस नॉट टॉक फिलॉसफी बट प्रैक्टिस कि ये सब भगवान का है तो हम कैसे उसके साथ व्यवहार करेंगे क्या हम अपने घर में अपनी पत्नी या पति के साथ भी आजकल आई मीन साइकिल इज चेंज हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे कि वो भगवान का है हम क्यों कलुश लाएंगे क्यों हम क्वारल करेंगे अलग भी होना है तो आप बाई ऑल मीन्स क्योंकि हर की हर किसी की अपनी यात्रा है किंतु आपस में कटुता वैमनस्य ये सब ला करके हम भगवान के रिश्ते पे कैसे चल सकते हैं तो रिमेंबर एंड ऑफर में एक और चीज़ जोड़ दी है शीयरविंद ने वो है रिजेक्शन क्या हमको त्याग करना है हमें कोई घर परिवार छोड़ करके जी बहुत बड़े वो योगी हैं सन्यासी एक सौ हजार आठ बार परम शी शी शि श्रद्धे अच्छा सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया अच्छा क्या छोड़ा उन्होंने जो उनका अपना था मतलब घर परिवार अच्छा वो उनका अपना था हमने तो सुना वो सब भगवान का था ऐसे आर्ग्यू मत करिएगा किसी सन्यासी से बहुत ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं आप सुना देंगे पता नहीं गाली गलाउ <laughs> छोड़ना तो उसको है जो हमारे और भगवान के बीच में आ रहा है और कुछ छोड़ना और वो हम हम स्वयं जान जाएंगे उसमें कोई नियम नहीं बनाने की ज़रूरत है और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि हर चीज़ भगवान की बनाई जा सकती है कोई ऐसी गति नहीं है निम्न से निम्न जो भगवान की कहीं ना कहीं उसके पीछे नहीं है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते ये दो प्रिंसिपल हैं बड़े सिंपल किसको रिजेक्ट करना है वह जो आपके और भगवान के बीच में आ रहा है और किसको स्वीकार करना है हर चीज को भगवान के साथ जोड़ना इसको कहते हैं स्वीकृति इट इज़ नॉट स्वीकृति फ्रॉम ईगो पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन ये सब हम क्यों करेंगे तो वहां पे शेरविंद कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षमा की बात ये क्षमा कौन सी है इट इज़ द फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन कहाँ जलती है अखंड ज्योति ये तो कण कण में जलती है अरे हमने देखा नहीं देखेंगे कैसे हम हमने तो एटम भी नहीं देखा हमने तो शरीर को चीरफाड़ करके उसके अंदर हृदय धड़कता है वो भी नहीं देखा लेकिन हम मानते हैं कि अब वैज्ञानिकों ने फाड़ करी है तो देखा हृदय पर जब वैज्ञानिक कहते हैं हमने फाड़ करके सोल को नहीं पाया अरे आप सोल ढूंढ रहे थे सोल तो ऐसे ढूंढी नहीं जाती है तो उसी प्रकार से हर किसी के अंदर द फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन इज़ बर्निंग ब्राइट लेकिन वो कवर्ड है खूब सारी उस पर धूल मिट्टी सेंचुरी इसकी किसने डाली विश्व शक्तियों ने डाली हमारा क्या रोल था हमने कहा डाल दो क्योंकि हम लोग इस भाव से चल रहे थे ठीक है सब भगवान है। ये देखिए सेम ट्रूथ का एक इसका रिवर्स और सब डालते चले गए हम अनकॉन्शियस जीवन जी रहे थे हमको तो वो विष्ठा डाल रहे थे हमको लग रहा था तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट कोई चीज़ है तो इस प्रकार से जीवन में कॉन्शियस चॉइसेस ये बहुत जरूरी है नहीं तो संसार में कुछ भी आ रहा है और हमने कहा सब ठीक है सब भगवान एक अर्थ ये नहीं सबके एसेंस में भगवान है और उनका प्रगटन होना दैट इज वेयर वी हैव टू कोलेबरेट तो क्या प्रकटन कैसे होता है जब हर चीज में हम एस्पिरेशन को जोड़ देते हैं एस्पिरेशन क्या है हे hey, प्रभु आज एक सेमिनार है या वेबिनार है आ, हम नहीं बोलेंगे आप बोल लेना पर हमें तो सुनना है हम नहीं सुनेंगे प्रभु आप सुन लेना शि अरविंद एक जगह बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने लिफ्ट योर आइज टू the द सन आई थिंक एस बी सी एल वॉल्यूम ट्वेल्व ओपनिंग पेज फोर सेवेंटी फाइव पर बड़ी सुंदर वो है और अंत कैसे करते हैं इट इज दैट विच हैज सेट यू here टू लिसन टू योर सेल्फ इन मी यह एक मनोज भाई आपको तो याद होगा सोता है और बकता है तो इस प्रकार से ये जानना कि सोता भी वही है और वक्ता भी वही है सोता भी वही है और वक्ता भी वही है ये जोक मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मनोज भाई से संपर्क कर लें ये ओरिजिनल जोक उनका है तो भगवान हमें ये इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से पार्टिसिपेट करना है हमारे अंदर क्या एस्पिरेशन होना चाहिए हर चीज सुंदर बने सतत प्रगति की चाह हर चीज़ प्रगति करे किस और प्रगति करे दो प्रकार की प्रगति है एक जो डिज़ायर करवाती है डिज़ायर भी करवाती है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्रगति है आज मेरे पास एक गाड़ी है कल मुझे दो चाहिए और लोग कितने अच्छे जस्टिफिकेशन देते हैं क्या करूँ मेरा एक बच्चा हो गया ना एक मेरी वाइफ को चाहिए एक मुझे चाहिए एक बच्चे को चाहिए एक अरे बच्चों को अपने बड़े होंगे खुद भी उनको कुछ करने दो <laughs> तो <laughs> पर इस तरह से लोग अपना लेकिन वो किस लिए चाहिए इसलिए चाहिए कि हम लोग हमारे पास चार गाड़ियां हैं जी दो अंदर हैं और दो बाहर खड़ी हुई हैं गाड़ियों से पहचान होती है लेकिन डिज़ायर इस तरह की प्रगति कराता है हमने एम कर लिया एम कर लिया अब हम कैसे वहाँ प्रोफेसर बने कैसे हम उस पोजिशन पर पहुँचे ये भी एक प्रगति का एक ये फ्यूल है लेकिन बहुत ही इन्फीरियर फ्यूल है लेकिन जो ट्रू फ्यूल है वो है डिवाइन विल डिवाइन शक्ति और उसके लिए हमें हर चीज़ के साथ एस्पिरेशन होनी कर, करनी होती है हे hey प्रभु आज मैं क्लिनिक में पेशेंट को देख रहा हूँ ऐसा करना कुछ कि मैंने तो जो पढ़ी है मेडिसिन ये तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ ये तो पूरी अज्ञान है लेकिन आप तो सर्वज्ञ हो जब मेरे हाथ से कोई मरीज को मैं टच करूँ उसकी नब्स पकड़ूँ तो उस समय आप पकड़ लेना आप तो नब्स से सीधा सोल तक पहुँच जाओगे और अंदर से हील करोगे हे hey प्रभु जब मैं उसको देखूं और सुनूं तो आप होना उससे मैं उपस्थित हमारे बीच में हर चीज़ में भगवान में समोसा खा रहा हूं क्या ये निषेध है दिलीप कुमार रॉय जब यहां पर आए तो उन्होंने कहा कि देखूं मैं ये योग कर सकता हूं कि नहीं घूम फिर के उन्हें देखा कि कहीं लोग रसगुल्ला खा रहे थे और चाय पी रहे थे कहते ये योग मैं कर पाऊंगा क्योंकि रसगुल्ला निषेध नहीं है रसगुल्ला निषेध नहीं है लेकिन रस निषेध है अगर रसगुल्ले में बहुत चटकारा लेने लगे तब समस्या है। हालांकि भगवान ये सब भी ले लेते हैं पर कहने का अर्थ ये है कि इस इस इसमें हर चीज़ को एक एस्पिरेशन के साथ ये हमारे कल्चर में तो इनबिल्ट है लेकिन वो मैकेनिकल हो गया था तो पहले तो श्री अरविंद सनातन सत्य को उद्घाटित करते हैं जो हम करते थे लेकिन हम उसको भूल गए थे एक पाश्चात्य इन्फ्लुएंस के अंतर्गत हम सीधा वो ऑल इज वन सेल्फ ये सब में चले गए थे वेदांतिक उसमें लेकिन ये प्रैक्टिस भूल गए थे कि जब भोजन करते हो तो लोग पानी से चारों तरफ करके हे hey, प्रभु आपका इसको हम भूल गए थे ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है वो भी अगर कोई पादरी आके बता दे कि सेंट्टिफाई कर रहे हैं हम इसको तब हम करेंगे टोस्ट इन द नेम ऑफ गॉड तो हर एक चीज़ को लेकिन अब शेर कहते हैं बाहरी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है बाहरी कर्मकांड की समस्या ये होती है कि वो बड़ी रिजिट हो जाती है तूने भगवान के पास जाके कैसे माथा टेका कुछ लोग हैं जो आश्रम में आते हैं बच्चे तो बच्चा खेल रहा है वो माता जी के सामने तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये बच्चा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो पकड़ के माथा ज़बरदस्ती कभी कभी तो बड़े क्रुअली हाँ वो बच्चा कह रहा है मुझे कैसे क्यों कर रहे हो माँ भी माँ ने कितनी बार अरे छोड़ दो उसे मैं उसकी भी माँ हूँ मैं जानती हूँ कैसे हैंडल करना है तो बाहरी कर्मकांड का ये मार्ग नहीं है बाह्य पूजा से अधिक आंतरिक अवस्था कि हम भोजन ले रहे हैं प्रभु आपने दिया है टेक द जॉय ऑफ इट बाई ऑल मीन्स हर चीज में मानवीय संबंध है तो ईगो बेस्ड संबंध क्या होते हैं मैं हूँ और तुम हो यदि तुम मेरे अहंकार का पोषण नहीं करते तो तुम अपने मार्ग जाओ और मैं अपने मार्ग वहाँ भी मिलेगा दूसरा अहंकारी व्यक्ति तीसरा भी मिलेगा चौथा भी मिलेगा हमारे एक मित्र हैं पांचवी बार जब विवाह करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा आप विटनेस बन जाइए मैंने कहा आप अपने पाप के बागी था। <laughs> ये पंद्रह दिन चलने वाली नहीं है नहीं 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 मैंने एडवरटाइजमेंट दिया था मैंने कहा दिखाइए हजार वर्ड्स का एडवर्टाइजमेंट था लंबा सब कुछ चाहिए कॉन्वेंट एजुकेटेड भी चाहिए सुंदर सुशील ग्रैनी भी चाहिए वर्किंग वुमेन भी चाहिए सब कुछ मतलब थाउजेंड वर्ड मैंने कहा इसके लिए आपको मरणोपरान्त <laughs> स्वर्ग में ही मिल सकता है ये वो भी डाउटफुल है क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि आपको कुछ पता नहीं पंद्रह दिन एग्जैक्टली एज पर प्रोडिक्शन तो बात ये नहीं है कि आपने ये विवाह ये ये सब हम लोगों ने इसको सबको समाप्त कर दिया है, क्योंकि हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं उसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं है ट्रूथ है ट्रूथ क्या है माता जी ने सिंप्लीफाई कर दिया आपके बीच में प्रेम है आप रहिए साथ में प्रेम चला गया तो ये क्या कर रहे हो <laughs> लेकिन एक और चीज कर सकते हैं अब कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो बहुत रेडिकल है हमारे लिए नहीं है ये तो हमारे पूरे संस्कार इत्यादि ठीक है आप रहिए आप अग्नि के फेरे लेके साथ जो भी करना है विवाह करिए लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारे बीच का संबंध एक दूसरे को भगवान की ओर प्रगति करने में सहायक बने ये तो हम कर सकते हैं एक दूसरे के विकास में हम सहायक बने चाहे साथ रह के हो या अलग हो के हो लेकिन जीवन भर यह अभीपसा अगर वो क्रोध करे तो मैं उसको क्षमा के द्वारा अंडरस्टैंडिंग के द्वारा करुणा के द्वारा ये तो हम कर सकते हैं माता जी एक जगह बताती हैं कि हाउ टू क्योर ई इन द वर्ल्ड वो कहती हैं बहुत सिंपल चीज है आप यू वो राजयोग का मेथड बताती हैं बुद्धिस्ट में भी ये करते हैं कि यू रिप्लेस इट विद द ऑपोजिट वाइब्रेशन आपके प्रति कोई घृणा कर रहा है ये नहीं कह रही कि युद्ध मत लड़ो श्री कृष्ण भी ये नहीं कह रहे हैं लेकिन आप पहले अपने अंदर करुणा का भाव लाओ आपको अगर युद्ध लड़ना है अर्जुन गीता में लेकिन इसीलिए गीता और महाभारत ये कॉम्प्लीमेंट्री है कई लोग इसको जब अलग करके देखते हैं दे कांट अंडरस्टैंड इट कॉम्प्लीमेंट क्या है गीता से आप उस आंतरिक अवस्था को प्राप्त करो उसके बाद आप संसार के समर संग्राम में उतरो बिना उस आंतरिक अवस्था के आपका समर संग्राम ये तो लाइक एनी अदर वार है और उसका कोई मतलब नहीं है तो इस प्रकार से हम अधिक अधिक हर चीज को ऊपर उठाने के लिए क्या चीज होती है अग्नि अग्नि का क्या काम होता है दो चीज करती है अग्नि एक हर चीज को शुद्ध करती है और हर चीज को ऊपर उठाती है यही यज्ञ है यज्ञ क्या है कोई भी गति सिंपल से सिंपल इवन होल्डिंग ए हैंड रीडिंग ए बुक कोई भी चीज कुकिंग सिटिंग स्लीपिंग अभीप्सा की अग्नि द्वारा हम उसी चीज के अंदर एक नई चीज एक नया वाइब्रेशन प्रारंभ कर देते हैं ईश्वर का नाम लेके माँ का नाम लेके जब हम उसको जोड़ देते हैं इसी जोड़ने का नाम योग है धीरे धीरे वो अभीपसा की अग्नि उस उस चीज को शुद्ध करती जाती है और ऊपर उठाती जाती है उसी के दिव्य स्वरूप में हर चीज का अपना एक दिव्य स्वरूप है इवन वे चीजें जिनको हम निम्न से निम्न कहते हैं उनका एक दिव्य स्वरूप है दैट इज वाई दे एग्जिस्ट नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो अभीपसा और तीसरी चीज जो प्रथम भी और अंत भी है जिसका भी हमको लेसन मिलता है गर्भ से मिलता है गर्भ में बच्चे ने क्या किया होता है समर्पण गर्भ से बाहर निकलता है तो क्या करता है माँ के प्रति समर्पण जब स्कूल जाता है तो क्या करता है शिक्षकों के प्रति समर्पण पुस्तकों के प्रति समर्पण शादी हो जाती है तो क्या करता है पत्नी के प्रति समर्पण पति के प्रति समर्पण थोड़ी और उम्र हो जाती है तो क्या करता है बच्चों के प्रति समर्पण और जब और थोड़ा हो जाता है जब वयो वृद्ध भगवान बार बार यमराज बीच में कट ही देते हैं डायबिटीज़ हो गया तुझे नोक नॉक फिर थोड़े दिन बाद हाइपरटेंशन हो गया तुझे नाक नाक तो फिर ये क्या करता है वो करता है बाबा जी लोगों के प्रति समर्पण और जब वहाँ से भी वो बाबा जी भी कहते हैं भाई देख मृत्यु तो तेरी होनी है वो तो ध्रुव से मृत्यु जो जन्मा है वो मरेगा वो कहते हैं यहाँ भी सॉल्यूशन नहीं है तो फिर वो मृत्यु के प्रति समर्पण इस सब समर्पण की जगह यदि हम एक समर्पण सीख लें और उसी को करते चलें माँ के प्रति समर्पण श्री कहते हैं इन दिस योगा सरेंडर इज द फर्स्ट वर्ड सरेंडर इज द लास्ट वर्ड एंड सरेंडर इज द मिडिल यही पथ है कितने सुंदर सुंदर उनके पत्र हैं एक बंगला में पत्र है मैं भूल रहा हूं एग्जैक्ट बंगला उसका लेकिन वो कहते हैं मदर इज द पाथ एंड मदर इज द गोल कौन सी मदर नॉट जस्ट वर्ल्ड मदर कोर्स वो है लेकिन रूपांतरणकारी शक्ति माँ मीरा के नाम से जो प्रकट होती धरती पर उनको ये मैंडेट मिला है लेकिन रूपांतरण कार्य के लिए डिवाइन मदर इनर एम्बॉडीड फॉर्म ये अवतार का रोल ही यही होता है ये कह देना कि राम कृष्ण ये सब एक जैसे हैं वो क्या है वो भजन राम रहीम अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम वो ठीक है भाई बहुत अच्छा है होली सेंटिमेंट है बट मिक्सअप मत करिए राम एक नई चीज़ लाते हैं धरती के अंदर कृष्ण अगर वो चीज़ सदा सदा के लिए वही है तो कृष्ण की जरूरत नहीं थी कृष्ण और एक नई चीज़ लाते हैं बुद्ध और कुछ लाते हैं श्री अरविंद उसके भी आगे कोई अब ये कंटिन्यूटी है अवतार की पैराबल्स क्या है एवोल्यूशन की पैराबल है हम लोग कैसे बस सब कुछ एक है सारे संत महात्मा एक हैं उसके बाद संत हो या ना हो हमने मान लिया संत वो एक हो गया दिस टेंडेंसी जैसे आई मस्ट स्पीक स्पीक आउट फ्रीली गांधी जी सी अरविंद इत्यादि सब अरे एक थिंकर है पॉलिटिकल थिंकर है एक योग योगेश्वर है हाउ कैन द टू अपनी जगह वो आदरणीय है ये नहीं कि आदरणीय नहीं है पर इन दोनों का आप समकक्ष कैसे बिठाते हो ये हमारी एक भारतवर्ष के अंदर ये कभी नहीं था ये जड़ता और मूर्खता का ये लक्षण है भारतवर्ष तो वैसा देश है कि जब हरिश्चंद्र राजा के दरबार में विश्वमित्र आते हैं तो वो खड़े हो जाते कहते हैं ये आसन आपका है या वशिष्ठ जब आते हैं राजा दशरथ के उसमें या बल्क राजा जनक की सभा में तो दे न्यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ऋषि एक थिंकर अभी हम फिलॉसफ़र योगी एक विचारक मनीषी चिंतक अरे तो अब ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर और इसका कारण ये कि हम मन की भूमि पर ही रहते हैं लेकिन योग तो तब प्रारंभ होता है जब मन की भूमि का अतिक्रमण होता है तो पहली चीज़ है चैत्य का बाहर निकलना एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर और इसके द्वारा जैसे जैसे चैत्य निकलता है वो तो एक बच्चा है जैसे श्री कृष्ण की स्टोरी है ना जेल के बाहर निकलते हैं तो शुरू हो जाती कृष्ण लीला धीरे धीरे करके लेकिन श्री कृष्ण तो केवल मथुरा वृंदावन के लिए नहीं आए हैं श्री कृष्ण तो पूरे भारतवर्ष में आर्य भूमि का अलग जगाने और भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में लेकिन प्रारंभ वहाँ से करते हैं तो चैत्य तो थोड़े समय के बाद वो कहता है ये सीमित देह सीमित मानसिकता सीमित विचार माता जी कहते हैं जब चैत्य बाहर आता है तो माइंड बिकम्स वाइड हार्ट बिकम्स फुल ऑफ गुडविल प्राण के अंदर एक नई ऊर्जा शरीर के अंदर हेल्थ हारमोनी स्ट्रेंथ ये सब आने लगते हैं क्योंकि वो तो असल हमारा जो स्व है क्षमा है तो वो जब चैत्य बाहर आता है धीरे धीरे वो सब चीज़ को जैसे घर में जब बहू आती है तो कितना भी आप उसको रेजिस्ट करो पुरानी परंपरा वो अल्टीमेटली उसको चेंज करेगी अगर पति सहयोग देगा तो जल्दी कर देगी सहयोग नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगी एक चीज़ इधर से उधर हो गई आपको पता भी नहीं चला अंत में उसने पूरे घर को बदल डाला और तब हस्बैंड कहते हैं हाँ तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया तो चैत्य भी जब आता है तो अगर हम सहयोग देते हैं तो जल्दी चेंज हो जाता है अगर हम कोलेबरेट नहीं करते हैं तो फिर वो समय लगता है लेकिन करेगा जरूर कृष्ण जी की तरह बड़ा होगा अब बड़ा होगा तो उस प्रोसेस में कालिया नाग भी आएगा पूतना भी आएगी त्रिनाव्रत भी आएगा लोग बड़ा घबरा जाते हैं कि भगवान हमारी गारंटी है कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा जरूर होगा क्यों नहीं होगा प्रगति करना चाहते हैं हम छलांग लगाना चाहते हैं फ्रॉम पांडिचेरी टू लंका मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे ही दक्षिण के तट पे जहाँ हनुमान जी पहुँचे थे क्या पता कौन जाने तो वहाँ से वो आप छलांग लगाना चाहते हो मार्ग में सुरसा भी ना आए लंकिनी भी ना मिले तो शेरविंद कहते हैं हाँ वैसे संभव है अच्छा लेकिन फिर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा जिसको सनलिट पाथ कहते हैं उसका भी वर्णन रामायण में बड़े सुंदर ढंग से नगर की जे सब सबका जाए हृदय राखी कौशलपुर राजा कीप द मदर इन योर हार्ट एंड गो थ्रू लाइफ लंकिनी आएगी सुरसा भी आएगी लेकिन जब माँ साथ में है तो जहाँ कृष्ण है जहाँ पार्थ है वहीं विजय है तो ये चैत्य एक समय आता है जब ये सीमित मानव चेतना को तोड़ डालता है तोड़ता क्या उसको इतना थिन बना देता है पेपर थिन कि बस भगवान का एक हल्का सा स्पर्श और सब खुल जाता है लोग अक्सर कहते हैं भगवान खोलते क्यों नहीं क्योंकि इतना कठोर है इंटेलेक्चुअल लेट कि उनको हथौड़ा मारना पड़ेगा और हथौड़ा मार के तोड़ेंगे तो सटक जाएगा आदमी फिर कहेगा देखो भगवान के रास्ते पर चल के क्या होता है पागल हो गया डॉक्टर पांडे का मरीज हो गया क्या पता डॉक्टर पांडे के बारे में बोलते हों कि इनका इलाज कौन करेगा <laughs> इनका इलाज कौन करेगा <laughs> क्योंकि वो इन, जब लेड खुलता है तो एक नया दृश्य प्रकट होता है सारा संसार बदल जाता है मां कहती है रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस हम अंदर से बाहर देखने लगते हैं और ऊपर से नीचे उर्धर मूलम तब सृष्टि बिल्कुल भिद नजर आती है तब हम देखते हैं तो भगवान प्रकट हो रहे हैं इतने ढंग से तब हम सही मायने में इस योग में कलेक्टिव योग में प्रवेश करते हैं इस योग का एक डायमेंशन है कलेक्टिव योग कलेक्टिव योग ये नहीं है कि हम केवल सब साथ बैठ के कोई स्टडी इट्स वेरी गुड टू डू इट आज बाबा जी महाराज का भी जन्मदिन है जोड़िया बाबा थे वो दो चीज़ें बताते थे वो कहते थे यही चीज़ कि नाम जप और पाठ चक्र दो चीज़ें वो बहुत एम्फेसाइज करते थे माँ के नाम को करो और पाठ चक्र स्टडी सर्किल रखो सो ब्यूटीफुल थिंग लेकिन कलेक्टिव योग तो तब प्रारंभ होता है जब हमारी चेतना विश्व चेतना में प्रवेश करने लगती है तब हम देखते हैं अरे हम तो सोचते थे मेरे अंदर तो कुछ नहीं है ये तो दूसरों के अंदर है अरे जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर भी है कोई ऐसी गति नहीं है जो दूसरों के अंदर हो मेरे अंदर ना हो और तब उन सभी चीज़ों को हम यज्ञ रूप में ऑफर करने लगते हैं अंदर में वही प्रोसेस चलती रहती है फेथ एस्पिरेशन सरेंडर और एक जो मूल मंत्र जिसके साथ हम लोग रुकेंगे वह सिंसेरिटी एक शब्द पे माँ बहुत जोर देती हैं और सिंसेरिटी क्या है सत्यनिष्ठा सबसे कठिन अगर इस योग की कोई चीज़ है कम से कम मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ इट इज सिंसैरिटी सिंसैरिटी का अर्थ क्या है हर चीज में अल्टीमेटली हम वर्ण करें सत्य का सत्य मतलब वो वाला लीगल सत्य नहीं कि हर चीज के अंदर एक ट्रूथ है और वो ट्रूथ प्रकट होना चाहिए हमारी मानसिक धारणा के अनुसार नहीं हम जैसा सोचते हमारा ईगो जो कंफर्ट जोन्स नहीं हर चीज के अंदर कोई सत्य है हर व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है उसके अंदर एक सत्य है और वो सत्य विजित होता है दैट इज वॉटनिषद से सत्य में वो जयते नान्यतम सत्य ने पंथा देवयाना देवताओं ने सत्य के मार्ग से यह सत्य कोई सीमित सत्य नहीं है कि मैं सत्य बोलता हूं अरे आप सत्य बोलते हो हां मैं हमेशा खरी सुन बोलता हूं खरी खोटी बोलना सत्य बोलने में बहुत अंतर है नहीं मैं हमेशा सच बोलता हूं अच्छा आप आपने सत्य के दर्शन किए माता जी बताती हैं ट्रुथ इज सुप्रीम हारमोनी एंड डिलाइट सत्य सामंजस्य लाता है तोड़ता नहीं है सत्य की ब्यूटी यही है क्योंकि उस सत्य ने तो सारी सृष्टि को अपने अंदर समेटा हुआ इवन वार भी अगर होता है तो वो वार के मार्ग से अल्टीमेटली सामंजस्य की ओर ले जाता है ये ब्यूटी है सत्य की वो सत्य है सत्य में वह जयते नानृतम नानृ, अनृत क्या है वो जो फॉल्सुड वो चीजों को अव्यवस्थित करता है डिसऑर्डर करता है ऋत क्या है रित जो सत्य के अनुसार विशालता में चीजों को सही जगह पहुंचाता है ये हम आज के युग में देख रहे हैं इस पर विस्तार अभी नहीं कर रहा हूं मैं रित एक जो भगवान का विधान है डिवाइन लॉ के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए अभी हमारे माइंड वाइटल ने सबको गड़बड़ कर दी है तो अब उसको व्यवस्था एक नहीं व्यवस्था लेकिन समय लगेगा आफ्टर ऑल मिलियन ईयर्स की अव्यवस्था व्यवस्था इसीलिए अवतार को हर हजार साल दो हजार साल बाद आना पड़ता है अभी तो थोड़ा देखा जाए तो ढाई हजार वर्ष ऐसे दे हैव टू कम अगेन एंड अगेन क्यों क्योंकि नहीं तो फिर हम उस चीज़ को माँ माँ एक दिन ठीक करती है कमरा जब तक रहती है दस दिन ठीक कर देती है उसके बाद क्या होता है बच्चा फिर थोड़ा बहुत सीखता है लेकिन लेकिन फिर वो गड़बड़ करता है फिर माँ को आना पड़ता है विजिट करने के लिए तो जो अव्यवस्था हम लोग करते हैं इस संसार में क्योंकि हम भगवान आते हैं बुला के बोल के चले जाते हैं हार्ड इज़ दर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क दे पा ओनली दे लीव ए स्पलेंडिड नेम देर सम थॉट्स फीडिंग डार्क एंड बाई इग्नोरेंट माइंड्स वो चले जाते हैं हम उनके ऊपर एक मकबरा खड़ा करके एक चर्च बना देते हैं एक थियोलॉजी बना देते हैं एक पुस्तक सबके हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर उसका वचन वाचन होता है लेकिन योग कोई पुस्तक को पढ़ना नहीं है योग तो आग में जलना है इसी से हम समाप्त करेंगे और वो आग में जलने का बड़ा सुंदर जो वर्णन किया है दो आ, मेरी फेवरेट हैं तो कह दूँ एक तो यह है ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है यदि हम कोई हवाई जहाज़ में हम आग का दरिया है और ये तो आग जलाती है जो कुछ हमारे अंदर छिपा हुआ है कहाँ कहाँ वो ढूंढ के निकालेगी जन्मे जय के नाग यज्ञ की तरह नथिंग विल रिमेन इन दी एंड जो भगवान के मार्ग में आप शिकल माता जी कहती हैं अगर तुमने एक बार भगवान की ओर मुड़ गए हो भगवान ने कह दिया यस तो पूरा संसार तुमको नहीं रोक सकता तो भलाई इसी में है कि सारे संसार जो संसार तो है साथ में सबको ऑफर करते हुए चलो अगर ईगो के लिए करोगे तो छिन जाएगा तो ये तो है ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का डरिया है दरिया है और डूब के जाना है पर इतना कठिन भी नहीं है आग से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके चलोगे तो कठिन होता है अब एक बार छलांग लगा दोगे सर्वाहुति तो बड़ी सिंपल होती है तो उस सर्वाहुति का नाम समर्पण है कि ले अब तेरा है लेट दाई विल बी डन यही समर्पण है हृदय से कहना और दूसरा जो फेवरेट है कबीरदास जी का है वो कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना ये तो प्रेम का घर है भाई तो बहुत अच्छी बात है प्रेम के घर और क्या चाहिए हमको तो सुन लो पहले घर की एंट्री के लिए एक टिकट लगता है अच्छा यहाँ भी टिकट लगता है हाँ टिकट लगता है मतलब आपको कुछ छोड़ना होता है तो नॉर्मली आप देखें कि मंदिरों में हम चप्पल छोड़ के जाते हैं अब चप्पल क्यों छोड़ते हैं गंदगी धूल फीट इज़ द साइन ऑफ इनकॉन्शियंट ये और बात है कि जब तक हम वहाँ तक पहुँचते हैं और मिट्टी क्योंकि लोग क्लीन नहीं रखते हैं मंदिरों को तो आप वहाँ छोड़ के चप्पल जब प्रवेश करते हो तो और मिट्टी ले लेते हो फिर जब आप बाहर आते हो वही चप्पल फिर पहन लेते हो लेकिन यहाँ तो दूसरी डिमांड है चप्पल छोड़ना काफ़ी नहीं है चप्पल तो वो छोड़वा देंगे ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना ही शीश कटाए भूई धरे तब बैठे घर में यहाँ तो डिमांड दूसरी है शीश क्या है ईगो अहंकार इंटेलेक्चुअल ईगो मैंने बहुत पढ़ा है दुनिया भर के मुझे स्क्रिप्चर्स याद हैं भगवान कहेंगे वो सब ठीक है ठीक है बहुत आए तेरे जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए वर्जिल भी आया था एक बार उसने तो बड़ी आई एन एड पुस्तक लिखी है तो फिर वो तो बेतर के पार नहीं कर सका किसने पार करवाया बीट्रिस आई बीट्रिस वो किसान की लड़की जिसको वो प्यार करता था हाँ वो यही समझता था कि वो किसान की लड़की है तो कौन थी वो वो जगन माता थी तो हमारी भी यही अवस्था है इंटेलेक्चुअल प्राइड में हम कहते हैं अच्छा डिवाइन मदर क्या थी इनकी से फ्रेंच थी अच्छा कितनी पढ़ाई लिखाई की थी क्या किया था उन्होंने लेकिन भैया बेतरण पार करके <laughs> सुप्रामेंटल के तरफ जाना है तो यही मूल मंत्र है शेयरविंद एकदम स्पष्ट करते हैं अनेक अनेक, अनेक लेटर हैं जहां वो कहते हैं मदर्स प्रोपोजिशन इज करेक्ट कि अगर हम माँ की तरफ खुलेंगे तो हम चले जाएंगे बट माइंड इट इज डिबेट डिबेट माँ की तरफ खुलोगे तो वो शक्ति तुम्हें ले जाएगी और फिर अंत में इस छोटे से उसके साथ जब निरोध दा ने पूछा कि आपके योग की कोई सीक्रेट बता दीजिए बड़ा विशाल है इतना कुछ आपने लिख दिया है समझ नहीं आता हमको तो वो कहते हैं कि बड़ी सिंपल है सीक्रेट देर आर टू मेन सीक्रेट्स ऑफ दिस योगा द फर्स्ट इज टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर साइकिकली मार्क द वर्ड साइकिक भक्ति क्या होती है अहतु होती है मानसिक भक्ति क्या होती है गिव मी द प्रूफ प्राणिक भक्ति क्या होती है मुझे क्या मिलेगा आप फट्टा लिख के दो फिजिकल भक्ति क्या होती है हम तो रोज जाते हैं आश्रम में हम समाज प्रणाम करते हैं अब तो भगवान को की ड्यूटी है कि हमारे साथ सब कुछ करें साइकिक भक्ति होती है वो तो बस माँ और ले लो ले लो माँ ये छोड़ क्यों रहे हो आप इसको भी ले लो सब ले लो मेरा ये साकी भक्ति अहत की भक्ति इट लव्स टू गिव टू गॉड उसमें ही उसको आनंद आता है जॉय आता है तो बस इतना लिख के चुप हो गए तो निरोधा ने कहा सर आपने दो सीक्रेट लिखी थी दी केवल एक है व्हाट इज द अदर सीक्रेट श्री अरविंद कहते हैं एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन लाइफ यदि हमें मोक्ष चाहिए तो बहुत सारे बाबा जी हैं पवित्रता जब आए थे मंगोल से कहाँ कहाँ से सीख करके आए थे बहुत सारी उनकी बड़ी अद्भुत प्रैक्टिस की थी वॉज ए रियलाइज इन बुद्धिस्ट योगा तो जब वो आते हैं तो शेरबिंद उनसे कहते हैं वट डू यू वॉन्ट वो कहते हैं लिबरेशन शेरबिंद कहते हैं लिबरेशन देर आर अदर योगीज हु कैन गिव यू दो दे आर रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड बट दे एग्जिस्ट इफ यू वॉन्ट समथिंग मोर देन दैट देन यू कैन स्टे हियर अब इनको ये मोर देन दैट क्या होता है मुक्ति तो हमने सुनी थी मोर देन लिबरेशन क्या है तो रुक जाते हैं कहते हैं हैं कुछ दिन रुक जाता हूं रुकते रुकते जब पता चलता है रूपांतरण योग प्रवेश करते हैं। अब उन्होंने जब रुके थे तो एक पत्र औपचारिकता रूप एक टेलीग्राम पत्र उस समय मोबाइल वोबाइल होते नहीं थे एक टेलीग्राम डाल दिया कि मैं कुछ दिन के लिए पांडिचेरी रुक रहा हूं मुझे पांडिचेरी देखने की इच्छा है बहुत अच्छी बात है फिर कालांतर अब वो समय ऐसा था कि जब कोई वो समुद्र पार चला जाए तो उसको हम कहते थे रिटर्न ऑफ व्यक्ति है बेताल के पार चला गया लौट आए तो मृत्यु के लोग से आ रहा है वो गंगा स्नान करे ये अवस्था थी अब ये नहीं पहुंचे अब वो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए बीस वर्ष बाद इसको याद आई इस, इसका क्या हुआ जो मेरा मेरा मित्र था तो उन्होंने तब तक तो उनका ओरिजिनल नेम तो सेंट हिलेर था अब यहाँ तो पवित्र बन गए पवित्र था तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि यू सेट दैट यू वेयर इन पॉन्डिचरी सींगेकिंग चांस मतलब कि पता नहीं कहाँ है लास्ट टेलीग्राम जहां तो व्हाट आर यू डूइंग वेयर आर यू इफ दिस टेलीग्राम रीचेज यू तो उनका उत्तर गया पवित्रता का आई एम स्टिल सीइंग इट आई एम स्टिल सीइंग इट ये इस योग की ब्यूटी है कि इसका अंत नहीं है अधिकांश योग में स्विमिंग पूल की तरह यहां से चले वहां पहुंच गया हमको मेडल मिल गया ये ये स्टेज है ये योग का अंत नहीं है और ये इसकी ब्यूटी है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता ये इन्फिनिट का योग है इन्फिनिट का प्रोग्रेशन है जब तक धरती के अंदर एक भी कर्ण स्वर्णिम नहीं हो जाता दीप्तिमान नहीं हो जाता उस सूर्य के आलोक से तब तक ये योग कैसे समाप्त हो सकता है क्योंकि ये व्यक्तिगत योग नहीं है ये सामूहिक योग है समष्टि का योग है सारी सृष्टि का योग है नमस्ते एक प्रश्न आया है भैया उसमें संदर्भ लिखा हुआ है कि माँ ने कहा है कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्पिरिचुअलिटी इज इन स्पिरिचुअलिटी तो इसको थोड़ा सा इसके विषय में बात बताएंगे मेरा भी इससे थोड़ा सा एक रिलेटेड एक वो था कि जो हमने सेमिनार का विषय लिया है संभवामी युगे युगे तो गीता जी में तो आया ही है परित्राणाय साधु नाम च धर्म संस्थाप संभवामी युगे युगे। तो ये जो रूपांतरण का युग है जो श्री अरविंद का आगमन हुआ जिसकी हम लोग एक वर्ष में, में प्रवेश करने के हित से हम लोगों ने उस हेतु से ये किया है तो कैस किस संदर्भ में वो विश्व चेतना संभव करती है कि इस धरती पर कुछ एक नया जो एक आलोक आया है उसके विषय में यदि थोड़ा सा हम लोगों को प्रयास ठीक तो पहले मैं वो शब्द ले लूँ स्पिरिचुअलिटी अब स्पिरिचुअलिटी ने ही माँ ने यूज़ किया है ये उनकी एक वार्ता है मेरे ख्याल से 1957 की है सुपरामेंटल डिसेंट के बाद मैनिफेस्टेशन के बाद माँ कहती हैं कि द फ्यूचर इज़ दी स्परिचुअलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड वो शी अरविंद को कोट भी करती हैं कहती है शेयरविंद ने कहा था कि द फ्यूचर ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन द दिरिचुअलाइजेशन ऑफ द रेस अब स्परिचुअलाइजेशन और स्पिरिचुअलिटी में एक बेसिक भेद है भेद क्या है स्पिरिचुअलिटी एक एक जनरल वर्ड है जिसमें हम आ, अपने मन की सीमा के परे इन द रियल सेंस उसके ओरिजिनल सेंस में जब हम मन की सीमा का अतिक्रमण करके उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं जहाँ प्रकाश है जहाँ विशालता है जहाँ सत्य की एक आभा मिलती है तो एक स्पिरिचुअलिटी को हम कह सकते हैं इन जनरल अगेन अब आज तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस से कि भई वो बड़े स्पिरिचुअल हैं क्योंकि वो रोज़ मेडिटेशन करते हैं स्परिचुअलिटी रावण ने भी मेडिटेशन किया था तो स्परिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट प्रैक्टिस आप किसी भी माध्यम से यदि आपके और भगवान के बीच में जो वेल है वो चली जाती है तो आप स्पिरिचुअल चेतना में प्रवेश करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी से एक कॉमन अर्थ ये है लेकिन माँ ने जो शब्द यूज किया और शेयर ने स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन का अर्थ ये है कि जैसे अभी मन की चेतना मनुष्य को चलाती है वैसे अब स्पिरिट स्पिरिटल यू नो रिवील थ्रू मैटर्स फेस तो स्पिरिट यानी हायर कॉन्शियसनेस अल्टीमेटली द डिवाइन कॉन्शियसनेस वो डिवाइन कॉन्शियसनेस मनुष्य के मन प्राण देह को चलाए तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलाइजेशन तो उसकी स्टेप्स और स्टेजेस हैं पहला है साइकिसाइजेशन जिसकी मैंने बात की कि ईगो की बजाय हमारे अंदर जो सच्चा देही है जिसकी हम बात सुनते हैं कि भाई वो ना जायात अमरियत थे, थे, ना कदाचिन वो नैनम छिदंती शस्त्रानी वो हमारे जीवन में प्रवेश करे वो केवल इसलिए नहीं कि जन्म जन्मांतर वो आ रहा है जा रहा है वो गवर्न करे हमारे एंड मस्ट गवर्न ईज लाइफ एंड थाट एंड स्पीच एंड एक्ट ये पहली स्टेज है साइकिलइाइज फिर है स्परिचुअलाइजेशन जिसकी बात करते हैं जैसे जैसे चेतना का आरोहण होता है वैसे वैसे वो हायर माइंड इत्यादि की जो चेतना है जो धीरे धीरे प्रकाश उनका बढ़ता जाता है समय का अभाव है विस्तार में नहीं जा रहा हूँ पर उसके कारण वो हमारे जीवन को चलाने लगती हैं और उसको मॉडिफाई करती हैं क्योंकि अल्टीमेटली चलना तो डिवाइन से है लेकिन हम तैयार नहीं हैं वो तो इट्स लाइक सेइंग कि हज़ार सहस्र सूर्य अचानक हमें चलाने लगे नहीं वो साइकिसाइजेशन और स्पिरिचुअलाइजेशन हमें तैयार करते हैं कि एग्जाम्पल इस स्पिरिचुअलाइजेशन के कंटेक्सट में ले लेता हूँ अब और माने इस कंटेक्सट में भी यूज़ किया है कि एक है कि रिलीजन की एज चली गई अब रिलीजन की एज चली गई का क्या मतलब है रिलीजन हमें बांध देता था एक सीमित मान्यताओं में और फिर अंत में वो डिवीजन का कारण बन जाता था फिर वहीं से मत मतान्तर भी निकले सेक्स कल्ट वो एक नया चीज़ निकली लेकिन स्पिरिचुअलाइजेशन क्या करता है वो बाहर की चीज़ों को नहीं उसके अंदर का जो कोर है वो हमें दिखाने लगता है जो आध्यात्मिक चेतना है वो उसके अंदर के सत्य को हमें दिखाने लगती है और इस कारण वो हमें एक विशाल भूमि पर ले जाती है वो वाइडनेस बहुत मुश्किल है एक रिलीजियस व्यक्ति के लिए क्योंकि वो बन गया है एक सीमित मान्यताओं में ये सीमित मान्यताएं टूट जाती हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में वो एक वास्नेस का क्षेत्र है इसको कई लोग आयकनों क्लास्ट इत्यादि स्वामी विवेकानंद की अगर आप राइटिंग्स पढ़ें कई ऑफकोर्स श्री अरविंद एंड द मदर लेकिन वो टूटने के दो तरीके होते हैं एक है जहाँ आप इसको डिस्कार्ड कर देते हो श्री अरविंद ये नहीं कहते हैं श्री अरविंद कहते हैं कि उसके अंदर के सत्य को आप प्रकट करो तो स्पिरिचुअलाइजेशन हर चीज के अंदर जो सत्य है उसका धीरे धीरे प्रकटन होने लगता है इसके द्वारा जब हमारी चेतना पोषित होती है दो रूपांतरण के द्वारा तब लास्ट में सुप्रामेंटल सुप्रामेंटल इज व्हाट डिविनाइजेशन ऑफ मैटर अगर इसको हम सिंपल उसमें लेकिन शेरविंद लास्ट कई बार उन्होंने वो डिवाइन की जगह माता जी इ्स द तो सेम कॉन्शियसनेस डिवाइन क्रिएटर सृष्टि के साथ जिस चेतना के साथ संबंध जोड़ता है वो सुपरमेंटल है वो एक है लेकिन अनेक से संबंध जोड़ा हुआ है तो जब हम उसके साथ एक हो जाएंगे तो हम भी सृष्टि के साथ डिवाइन लॉ की के अनुसार सत्य धर्माय दृष्टि उसके अनुसार संबंध जोड़ेंगे अभी हमने एक अज्ञान के माध्यम से संबंध जोड़ा ईगो के माध्यम से संबंध जोड़ा है डिज़ायर के माध्यम से संबंध जोड़ा है तो यह स्पिरिचुअलाइजेशन की बात करती हैं लेकिन माँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती हैं अंत में एंड आई वुड ऐड और माँ कहती हैं ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग हों ये मास मूवमेंट नहीं है इतना काफ़ी है कि कुछ लोग प्योर गोल्ड के हो जाए और साथ में कहती हूँ उस कन्वर्सेशन में कि ये तो निश्चित है कि अभी मनुष्य तैयार नहीं है उस गोल्ड बनने के लिए इसलिए उसको क्रूसिबल के द्वार से फर्नेस के थ्रू प्यूरीफाइंग फर्नेस आग का दरिया है उसके द्वार से जाना पड़ेगा क्योंकि वो ईजिली टर्न नहीं करता है इसी चीज़ को माता जी ने बड़े एक और इसी में बात ऐड की एंड टाइम प्रेसेस आई वुड एड कहती सी ने कहा था कि सोल्यूशन क्या है संसार की समस्याओं का स्पिरिचुअलाइजेशन एक नई चेतना हमारे अंदर उद्भासित हो और केवल उद्भासित नहीं एज एन एक्सपीरियंस पर वो हमारे जीवन को चलाने लगे हमारे मन प्राण शरीर का चार्ज ले अब वहां पर माता जी कहती हैं, एंड आई एड क्योंकि शेयरबिंद ने जब कहा था 1950 के पहले की बात है कहती है टाइम प्रेसेस बहुत पावरफुल है वो वर्ड टाइम प्रेसेस प्रेशर हो रहा है क्योंकि सुपर माइंड मैनिफेस्ट करना चाह रहा है तो यहां से आपके दूसरा प्रश्न भी जुड़ जाता है तो माँ उसके उस संबंध में ये कहती हैं कि आ, उनके मैसेजेस में है कि द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम ये अवश्यम भावी है बट इट इज लेफ्ट फॉर मैन टू डिसाइड वेदर दे कंसेंट फॉर द चेंज और द चेंज इज थ्रस्ट अप ऑन दम बाय द पावर ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टांसेज अब अगर आप इसको गीता के श्लोक से जोड़ें शेयरविंद इसको ऐसेज ऑन द गीता में बताते हैं परित्राणाय है साधु नाम एक उसकी दृष्टि है कि बाहर में जो अच्छे लोग हैं उनको भगवान बचा के ले जाते हैं इसकी दूसरी चीज ये कि जो हमारे अंदर गॉडलाइक टेंडेंसीज -like हैं जो दबी हैं छिपी हैं उन सबको वो त्राण देते हैं अभी वो जैसे कर्ण कर्ण का जनरोसिटी गॉड लाइक है लेकिन दब कहाँ गई है अंधकार के अंदर कृष्ण के संपर्क में आने से वो रिलीज हो जाती यही कर्ण और अर्जुन का अंतर है वन ऑफ द डिफरेंसेस तो जब दबी हुई है तो वो साधु नाम ईविल के अंदर दबा हुआ है लेकिन जब वो बाहर प्रकट हो जाती है कर्ण को भी चांस मिलता है तो वो परित्राण आए ना साधु नाम उसी प्रकार से विनाश आए च दुष्कृत एक है कि बाहर से हिटलर मर गया इस युग में तो बड़े भयंकर असुर आए मच मोर देन उनके सामने तो हिटलर वगैरह के सामने कंस और रावण तो पूजनीय लगते हैं और इनके साथ माताजी जी ने डायरेक्ट उनका उनकी फाइट हुई है डायरेक्ट मतलब चेतना के स्तर पे और ये एक बहुत बड़ा अध्याय है बिल्कुल जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ा श्री राम ने युद्ध लड़ा श्री श्री अरविंद भी हिटलर मुसोलिनी वही नहीं उन्होंने तो ब्रिटिश अम्पायर उनका मतलब आप देखें अगर पढ़ें श्री अरविंद के जीवन को तो, वो तो अवतार भी वर्ड छोटा लग जाता है श्री कृष्ण ने मुक्त कराई मथुरा ये हम सब जानते हैं कंस के राज्य से उसके बाद उन्होंने आर्यवर्त को मुक्त कराया जरासंद और रुक्मी और शिशुपाल और सारे ये दुर्योधन की सारी वो असुर सेना से ये हम सब जानते हैं शेयरविंद ने तो पूरे ब्रिटिश अंपायर से मुक्त करा दिया कैसे मुक्त कराया उस माध्यम से जिसने लोगों के हृदय में आग लगा दी तो ये हुआ परित्रनाय शादुराम विनाशाय दुष्कृताम वो जहाज सूर्य जो डूबता नहीं था उसका जहाज़ डूबने लगा और ये तो डॉक्यूमेंटेड है सारी चीज़ें जो बाद में फॉलो हुई पैसिव रेजिस्टेंस बायकॉट जो भी चीज़ें वो सब श्री अरविंद ने वंदे मातरम में प्रकट की थी और सबसे अधिक भारतवर्ष की आत्मा को जगा दिया था तो ये लेकिन इस पर भी वो नहीं रुके क्यों क्योंकि जब नष्ट हो जाते हैं वे लोग जो ईविल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे क्या ईविल नष्ट होता है नहीं माता जी से किसी ने कहा माँ हिटलर मर गया बहुत अच्छी बात है अब नया युग माँ कहती माय चाइल्ड हिटलर डेथ इज नॉट एनफ एनफी मैनी वो जो फोर्स उसके द्वारा काम कर रही थी वो तो अभी भी है सक्रिय इसीलिए हर साल रावण को जलाना पड़ता है और उसके बाद फिर वो प्रकट हो जाता है पता नहीं कहाँ से एक बार मार देना काफी नहीं है वो तो एक फ्रंट पीस है उसके भीतर जो शक्ति कार्य कर रही है वहाँ पे माँ और शेरविंद चार असुरों की जो रूट में है इस धरती के इस अंधकार के शरविंद मनुष्य को ब्लेम नहीं करते हैं कि तुम्हारे कर्म ऐसे थे वो कहते हैं इस कर्म के पीछे वो शक्तियाँ थी जो तुम्हें पुश कर रही थी तुम्हारा केवल ये भूल थी कि तुमने उनको चुना दिस मच यस वी नीड नॉट हैव साइडेड विद द आसुरा लेकिन मूल प्रॉब्लम उन चार असुरों की है जो उसी चार ओरिजिनल पावर्स के वो इनवोल्यूशनरी या शेडोज हैं उन्हीं की छाया है जैसे रावण विष्णु भगवान की छाया है उसी प्रकार से जो ये चार असुर हैं जो धरती पर कोहराम मचाते हैं उनकी छाया है तो इस बार श्री अरविंद माता जी क्या चाहते हैं वो कहते हैं हर बार मैं आता हूँ अवतार रूप में नष्ट करता हूँ फिर ये हजार दो हजार साल ठीक चलता है जब श्री श्री कृष्ण चले जाते हैं महाभारत युद्ध के बाद दो हजार ढाई हजार वर्ष तक दो हजार वर्ष तक निश्चित रूप से भारतवर्ष उसी गरिमा को लेकर खड़ा हुआ और वास्तव में वो फेड होना कब शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय से वरना उसके पहले जितने किंग्स हैं आजाद शत्रु विक्रमादित्य अब लाइन देख लीजिए फ्रॉम परीक्षित जन्मे जय इत्यादि दे आर ग्रेट किंग्स वो इतिहास हम लोग पढ़ते नहीं अनफॉर्चुनेटली सीधा मुगल किंग्स पे आ जाते हैं तो ये आप उन्होंने जो एस्टैब्लिश किया था आर्यवर्त लेकिन वो असुर टेंडेंसीज नहीं नष्ट हुई थी तो उन टेंडेंसीज़ को क्या करना है वो काम माता जी शेयरविंद करते हैं और वो कहते हैं उसके लिए ओरिजिनल पावर ही है जो इनको नेस्त नाबूद कर सकती है या इनको कन्वर्ट कर सकती है तो उसमें वो चारों असुरों के बारे में माता जी के बहुत सारे कन्वर्सेशन हैं जहाँ वो कहती हैं कि असुर ऑफ़ फॉल्सुड ने जो असुर ऑफ अनकॉन्शियसनेस अपसमार जो हमारे शिवपुराण में आता है और असुर ऑफ डार्कनेस अंधकार का जो प्रतिनिधित्व करता है ये तो कन्वर्ट होना तैयार हो गए तो आप संसार में देखिए धीरे धीरे एक आलोक का प्रकटन हो रहा है ज्ञान बढ़ रहा है लोगों के अंदर एक एक, एक अभिप्सा टू तो ब्रेक द मेटीरियल बेरियर्स ये कर रहे हैं लोग अनेकों प्रकार के फील्ड्स में हो रहा है वो बहुत विस्तार की चर्चा है साइकोलॉजिकल फील्ड में हेल्थ के फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में इंटीग्रल uh, एजुकेशन की बात करते हैं यानी केवल हम शरीर नहीं है केवल सक्सेस की मशीन नहीं है तो ये अतिक्रमण हो रहा है कई लेवल्स पे हो रहा है अनकॉन्शियसनेस उसी के साथ जा रही है नई शक्तियों के बारे में हमें पता चल रहा है जो छिपी हैं हमारी चॉइज उनके कॉन्सिक्वेंसेज इतने सारी चीज़ें प्रकट हो रही हैं और उसके बाद उन्होंने तीसरा जो बताया वो डेथ तो माँ तो कहती हैं कि मैंने मृत्यु को मार डाला एक एक उनका कन्वर्सेशन है वो उन्नीस सौ सत्तर का है तो वो मार डाला का मतलब ये है कि जैसे श्री कृष्ण और सावित्री में आता है यू बी स्टिल माई इंस्ट्रूमेंट पर अर्थ ये है कि मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जो हमको सचेतन से एकदम अचेतनता और अंधकार के द्वार से लेकर के फिर से हमको एक न्यू बर्थ में ले जाती है अब उसकी ज़रूरत नहीं है कॉन्शियसली हम जा सकते हैं जो तैयार हैं और कॉन्शियसली बर्थ ले सकते हैं और कॉन्शियसली हम प्रिपेयर करके एक नए शरीर को उसमें प्रवेश कर सकते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि कल से सारे लोग अश्वत्थामा अश्वत्थामा बन जाएंगे बड़ी भयानक अवस्था है इग्नोरेंस में अमर हो जाना तो मृत्यु को और चौथा जो असुर है वो है फॉल्सुड और उसकी एक लंबी कहानी है पर टू पुट इट इन शॉर्ट माँ कहती है उसने कहा हंसते हुए कि मैं जानता हूँ विजय तो तुम्हारी होनी है लेकिन मैं समर्पण करने के पहले बहुत बहुत इस संसार में अत्याचार अन्याय जितने मेरे मेरे जो वर्शिपर्स हैं उनको मैं पूरी तरह फॉल्सूट का राज्य फैलाऊंगा तो माँ बताती हैं कि जड़ से तो चला गया है लेकिन वो कहते हैं रस्सी जल गई ऐठहन बची है लेकिन उसकी जो ब्रांचेज आप देखिए किसी आप जड़ को समाप्त कर देते हो लेकिन काफ़ी समय तक वो पेड़ की ब्रांचेज दिखती हैं तो क्या है फॉल्सूट सबसे बड़ा उसका जो गढ़ है सॉरी टू से वह है पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल वर्ल्ड माता जी ने कहा है कहती ये दो तो गढ़ हैं उनके वो तो झूठ पर ही चलते हैं सब कुछ दिखा हुआ है शो शैम आर्टिफिशियलिटी माँ कहती नए जगत में ये होगा नहीं और ये आ रहा है बच्चे कहते हैं आप बच्चे को जरा कहिए बेटा सच बोलो मुझसे सच बोलो कहते हैं आप तो सारी दुनिया से झूठ बोलते हो आप पहले सच बोलो मुझसे सच बोलो मैं क्यों बोलूं ये सारे आगे नचिकेता घर घर में सत्यकाम न चिखेता तो ये तो सत्यु के का पहला प्रमाण तो इन बच्चों में पार्लियामेंट में मत देखिएगा मतलब अच्छा काम चल रहा है मैं भी इस बात को मानता हूँ पिछले सिंस द टाइम ऑफ सेंटर ऑफ मदर्स अराइवल ब्यूटिफुल वर्ल्ड वर्क इज गोइंग ऑन इन इंडिया और पूरे विश्व में एक मंथन हो रहा है वो बहुत बड़ा विषय उसमें नहीं जाना चाहता हूँ मैं लेकिन फॉल्सूट ने स्वीकार कर लिया है लेकिन उसकी जो ब्रांचेज हैं ट्विक्स हैं अब वो रूट्स में जो इलाज किया गया है जड़ों में वो माता जी बताती जब अतिमानस उतरता है तो एकदम सीधा निश्चेतना में चला जाता है यही कहानी हमारे गंगा की है जब गंगा अवतरित होती हैं तो सगर कहाँ हैं सगर के बच्चे सारे पाताल लोक में हैं तो सीधा पाताल में जाके पाताल गंगा बन जाती है वहाँ से निकलना शुरू होती है क्योंकि सबकॉन्शियंट के अंदर सारी हैबिट्स टेंडेंसीज एटीट्यूड वहाँ पर हैं आप बाहर से ठीक कर दीजिए वो अंदर से बार बार आएंगे कहते हैं ना पुनः पुनः उस तरह से आएंगे और इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने देखा है कभी दीमक का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दीमक इज लिटरली शेरविंद है वो वास्तव में वो फॉल्सूट का अगर कोई मटीरियल अर्थ पर प्रतीक है तो दीमक है पूरा वो शेरविंद कहते हैं सनलेस सिटीज उससे बच के वो कैसी जगह बनाता है छिपा रहता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये कहाँ आ गया है और वो खा रहा है अंदर से जब खा लेगा तब तो आपको पता चलेगा अरे ये कहाँ से आया लेकिन इसका इलाज कैसे होता है इसका इलाज ऐसे नहीं होता है कि आपने जाके वहाँ केरोसिन डाल दिया इसका इलाज होता है कि वो बड़े बड़े वो लेके आते हैं वो कहाँ कहाँ गड्ढों में डालते हैं आप कहेंगे वहाँ कहाँ है दिमाग कहते हैं हाँ हम डाल रहे हैं लेकिन ये भी गारंटी नहीं है गारंटी क्या कहते हैं दिमाग के पीछे एक क्वीन होती है वो मर गई तो सब चला जाएगा तो वो क्वीन को शेयरविंद सावित्री बताते हैं द मदर ऑफ फॉल्सुड द सन्स ऑफ ईविल चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस तो मदर ऑफ फॉल्सुड जिनको हम दिति, जब तक वो अंधकार की शक्ति मूल रूप में पूरी तरह चेंज नहीं होती तब तक ये पूरा रूपांतरण हम नहीं देखेंगे कौन देखेंगे जिन्होंने दिति की जगह अदिति को वर्ण किया है रिवर्स भी कर सकते हैं जिनको अदिति ने वर्ण किया है क्योंकि वो तैयार है में जो है अंधकार के वो नहीं देखेंगे माता जी से किसी ने पूछा कि सुपर माइंड दिखता नहीं दिखता नहीं मैं मा कहती माई चाइल्ड ओनली लाइक नोज लाइक तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे हम इस मार्ग में चलें जिसके लिए माता जी शेरविंद अवतार रूप में संभवामी युगे युगे बार बार क्यों आना पड़ता है संभवामी युगे युगे टाइटल का दो शब्द बोल दूँ माता जी कहती है हर बार अवतार आते हैं ताकि वो मैटर को रूपांतरित करें ये अद्भुत रहस्य है क्यों मैटर को रूपांतरित करना वो, वो लोग कहते हैं ना भगवान आते हैं हमको हेल्प करने ये तो वो वहाँ से कर सकते हैं क्या हम काउंटलेस लोगों का ये अनुभव नहीं है किसी भी मत सम्प्रदाय में चले जाइए कि जिन्होंने पुकारा और भगवान आगे गरुड़ छोड़ सीधा पधारे वो अजामिल अधम की कहानी हो या गजग्राह की कहानी हो इसलिए नहीं आते हैं भगवान सोशल रिवोल्यूशन के लिए नहीं आते हैं ये तो अब करती हैं उनकी शिवाजी मुग़ल साम्राज्य को उन्होंने परास्त कर दिया तो वो विभूति थे अवतार आते हैं ताकि भगवान की चेतना भगवान का साक्षात जड़ तत्व के साथ डायरेक्ट संबंध हो और जब वो संबंध होता है तो जड़ तत्व के अंदर एक नई स्फुणा एक नई चेतना जागृत होती है और जब वो चले जाते हैं सीमिंगली चले जाते हैं Doesn't गो माने का नेवर फॉर एन इंस्टेंट वैसेलेट और हैव डाउट वो यहीं पर हैं पूरी तरह है। लेकिन जब वो हमारी मेटेरियल दृष्टि के पीछे चले जाते हैं तो क्या करते हैं जो जड़ तत्व के ऊपर उनका स्पर्श हुआ है वो तो वाइब्रेट वो खोजता है उनको सावित्री की पहले कैंटो में ही इसका वर्णन है कि वर्शिप प्रेसियंस एंड पावर वो स्पर्श चला जाता है जैसे वृंदावन से जब चले जाते हैं श्री कृष्ण तो क्या होता है संसार में वह जो वेदों और उपनिषदों में नहीं है एंड दैट इज़ डिवोशनल रिलीजन इज बॉर्न तो उसी प्रकार से सुपर माइंड ने मैनिफेस्ट किया है माँ शेरविंद पीछे हमारी दृष्टि के पीछे क्यों आओ हाँ बच्चों थोड़ा तो प्रयास करो नहीं तो तुम फिर मैं सामने हो तुम्हारे तुम बस ये मेरे बच्चे की तकलीफ है मेरी वाइफ की प्रॉब्लम है मेरे कोर्ट केस चल रहा है इसी में तुम पूरे जीवन को नष्ट कर देते हो अब मैटर के ऊपर छाप पड़ी है मैटर के अंदर अभीप्सा जल गई है और उस अभी से धीरे धीरे और इनफैक्ट और भी कई सारी कहानियां हैं समय की सीमा है 58 की घटना है 59 की घटना है और उन सब में कि अल्टीमेटली मैटर के अंदर उन्होंने सुप्रमेंटल बीज बो दिया है और उसके कारण मनुष्य चाहे या ना चाहे फेट शैल बी चेंज बाय अनचेंजिंग विल ए ब्रांच ऑफ हेवन ट्रांसप्लांट टू ह्यूमन सॉइल एंड फेट सेल बी चेंज बाय एन अनचेंजिंग विल तो वो नई विल नई अभीपसा केवल हमारे हृदय में नहीं हुई है लेकिन धरती के अंदर जड़ तत्व के अंदर स्थापित हो गई है एंड दैट इज़ वाई जब हम जड़ शरीर को धारण करते हैं तो हम उसको भी धारण करते हैं अब आने वाले बच्चे सिक्सटी के बाद की बात खासकर लेकिन वेल हम सब फिफ्टी के बाद के हैं तो फिफ्टी के बाद जो भी बच्चे आए इस संसार में वो नई चेतना का स्पर्श लेके आए और आने वाले समय में आएंगे वो मैसिव बेरियर ब्रेकर्स हैं शीरबिंद यहाँ तक लिखते हैं सावित्री में और माता जी बताती हैं कि इवन गॉड्स देवता भी तब चाहेंगे कि मानव शरीर लेना ये तो अद्भुत बात है क्योंकि वो शक्तियाँ वो प्रेम वो प्रकाश जो अब मानव चेतना के अंदर है मानव शरीर क्योंकि वो मानव देह रहेगा ही नहीं वो तो हमारे लोक में भी नहीं मिलता है तो ये सारी प्रोसेस से बहुत कुछ दिखाई दे रहा है हो रहा है एक और कुछ लोग हैं जो कोलेबरेट करते हैं कंसेंट करते हैं वो एक रास्ते से ले जा रहे हैं जो क्या बोलते हैं उसको चैनल नॉट ग्रीन चैनल डिप्लोमेटिक चैनल तो उसको उनको उस रास्ते से भगवान ले जा रहे हैं और दूसरे लोग हैं जो चोरी चकारी रेड चैनल कम डिक्लेयर योर सेल्फ ओपिन द होल थिंग तो ये ये दोनों प्रोसेस से चल रही है पावर ऑफ क्रैशिंग दूसरी और ऐसे भी लोग हैं जो श्री और बिंदो नामे आनंदो जोगी राजो नमो नमो मीरा माता जगत राई नमो नमो ये गाते हुए भी जा रहे हैं ये कौन सा पथ लेंगे ये हमें चुनाव करना है पर जाना तो अवश्य भाभी है नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया आपने जब 67 कहा था तो मुझे लगा शायद मैं कुछ चूक गया फिर आपने 56 तक ले गए तो इतना तो पार्शियलिटी करूंगा मैं चलो थोड़ा सा आपने उसको खींच दिया तो हम सब उसमें आ गए, वेरी हम, भी हम भी है इतने रुचि पूर्वक आलोक भाई ने इस विषय को रखा है सचमुच समय का भी पता नहीं चलता है ये तीन दिवसीय व्याख्यान हमारा यहाँ पे जो वेबिनार है वो अब समाप्ति की ओर है